हेलो नमस्ते एंड सभी को जोहार तो कैसे हो आप लोग मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जे 2021 का फॉर्म डेट कब आएगा और झारखंड पॉलिटेक्निक 2021 का भी कब कभ डेट आएगा और झारखंड पॉलिटेक्निक में कब से शुरू होगा ऑनलाइन फॉर्म कितने नंबर लाने पड़ते हैं कितने रुपये लगते हैं फॉर्म भरने में परीक्षा का अनुमानित तिथि कब तक है तो इस प्रकार के सभी डाउट्स को इस वीडियो में आज मैं क्लियर करूंगा सभी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और हम लोग पूरा आज इसको डिस्क्राइब करेंगे कि झारखंड पॉलिटेक्निक का एलिजिबिलिटी एज तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि झारखंड पॉलिटेक्निक में सारा डिटेल्स में कि कब होगा एग्ज़ाम और आपका क्या एलिजिबिलिटी है एज क्या है क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कितने फीस लगती है और कितने सिलेबस है आपका तो आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक का पूरा डिटेल में जानेंगे तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव और साथ साथ झारखंड पॉलिटेक्निक की तैयारी भी करना चाहते हो इस चैनल से जुड़ जाओ जल्द ही प्रीवियस ईयर्स का पेपर्स मैं सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दूंगा सो चलिए शुरू करते हैं सो so, सबसे पहले आवासीय योग्यता यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसके पास भी झारखंड राज्य का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा या वो स्थायी निवासीय होगा उसी को ही बस पॉलिटेक्निक शैक्षिक संस्थाओं में एडमिशन लेने के लिए अंडर झारखंड गवर्नमेंट में आपको अलाउ होगा अदर स्टेट्स के जिनके पास नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनको नहीं मिलेगा अब देखते हैं हम लोग शैक्षणिक योग्यता मतलब एलिजिबिलिटी क्या है क्वालिफिकेशन क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या है तो सबसे पहले आपको माध्यमिक में यानी टेंथ लेवल में थर्टी फाइव परसेंट मार्क्स लाना नेसेसरी है और साथ ही साथ आपको अगर इसी साल दे रहे हो एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी वन का सो तो आपको टेंथ में अपना रिजल्ट एग्जाम का एडमिशन से पहले आपको हो जाना चाहिए तभी आपको एलिजिबल कहा लाओगे इस एग्ज़ाम के लिए फिर है आयु सीमा केवल खनन अभियंत्रण संख्या के लिए आपको एक सात 2021 तक 17 वर्ष का होना चाहिए ठीक है तो केवल खनन अभियंत्रक संख्या के लिए ठीक है ये था आपका आयु सीमा फोर पॉलिटेक्निक के लिए नेक्स्ट देख लेते हैं परीक्षा शुल्क परीक्षा शुल्क आपका कितना है समान के लिए यानी जनरल कैटेगरी ईवीएस कैटेगरी बीसी वन और बीसी टू यानी पिछड़ा जाति वन पिछड़ा जाति टू के लिए सिक्स फिफ्टी रुपीज आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फीस है और एस टी के लिए और सभी महिलाओं के लिए 325 है और दिव्यांगों के लिए यानी फिजिकली डिसेबल्ड के लिए नील जीरो रुपीज़ सो ये था आपका परीक्षा शुल्क ठीक है नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट है आपका एग्जाम सिलेबस एग्जाम सिलेबस में आपका क्या है दो घंटा थर्टी मिनट्स का आपका होता है और ये परीक्षा ओ एम आर सीट पर होती।, होती है यानी ऑफलाइन होती है ऑनलाइन नहीं होती है सी बी टी बेस्ड नहीं है सब्जेक्ट्स क्या हैं तो तीन सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ठीक है तो 50 मार्क्स का आपका फिजिक्स 50 मार्क्स का केमिस्ट्री और 50 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स सो so, आपका एग्जाम सिलेबस ये हो गया सो so, ये था आपका पूरा डिटेल में झारखंड पॉलिटेक्निक का सब चीज़ मैंने आपको एक एक क्लियर कर दिया है इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए झारखंड पॉलिटेक्निक से संबंधित या पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक आई से संबंधित बिहार यूपी झारखंड के लिए पी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल पे न्यू हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल पे बने रहना क्यों क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चंस वगैरह भी सब टाइम टू टाइम कराऊंगा और टेलीग्राम चैनल नीचे दे रखा हूँ वहाँ पे जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द वॉच